हेलो एवरीबॉडी, ग्रीटिंग्स टू यू ऑल। कैसे हैं आप सभी गाइस? वेलकम टू यू ऑल एट इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। बच्चे, यहां पे हम बात करने वाले हैं सीडीएस, एफकैट एंड सीएपीएफ एग्जामिनेशन की। चलिए सरकार, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बच्चा, ये है हमारी डिफेंस एग्जामिनेशन की टीम। स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बच्चे, ये मेरे क्रेडेंशियल्स आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। और डिफेंस एग्जामिनेशन पे बच्चे आपकी डेली YouTube पे क्लास हो रही है 5 PM, तो इस सेशन को मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। 5 PM पे हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चे नॉन वर्बल रीजनिंग बच्चे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। और स्पेशली हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं बच्चे, कौन से एग्जाम के? एफकैट एग्जाम के। जैसे कि आप सभी को पता है एफकैट में बच्चा नॉन वर्बल रीजनिंग का बहुत बड़ा वेटेज होता है, तो बच्चे हम डिस्कस कर रहे हैं नॉन वर्बल रीजनिंग शार्प एट 5 PM। ओके, चलिए सरकार मूव करते हैं आगे। बच्चा, लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जामिनेशन के अलावा न्यू कुछ चैनल्स लॉन्च हुए हैं, जैसे करंट अफेयर इन 10, मैथ्स इन 10, डिफेंस एग्जाम इन 10, इंग्लिश इन 10, रीजनिंग इन 10 एंड एसएससी एग्जामिनेशन इन 10। बच्चा, इन सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको मिलते हैं 10 मिनट्स की बाइट साइज वीडियोज। उन वीडियोज में हम डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है बच्चे, सभी चैनल्स को जाके सब्सक्राइब कर लेना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप, अभी तक आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो तुरंत फोन उठाइए और गूगल प्ले स्टोर पर जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए। ये आप सभी के लिए मैंडेटरी ऐप है बच्चे, बिकॉज अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है आपको स्पेशल क्लासेस। और स्पेशल क्लासेस आप तभी एक्सेस कर सकते हैं जब आपके फोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप हो। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे। और अगर आप बच्चे अनअकैडमी पे प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं, देखिए प्लस का मतलब क्या है, 1 month, 3 month, 6 month, 1 year and 2 year। इसका मतलब बच्चे अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो बच्चे आप प्लान परचेज कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा 1 year और 2 year के साथ जाइए, बिकॉज ये काफ़ी इकोनॉमिकल प्लान्स हैं जिसमें आप यूज़ करेंगे मेरा रेफरल कोड लाइव एम के, या फिर आप के एम लाइव भी यूज़ कर सकते हैं, तो बच्चे आपको यहाँ पे मिल जाएगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। ओके, चलिए सरकार अब आते हैं आज के टॉपिक पे। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बच्चे, आइए स्टार्ट करते हैं। सीरीज कंप्लीशन। बच्चा, एक सीरीज का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में इस तरीके का होता है जिसको बच्चा कहता है सर स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। नहीं बच्चे, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है, तो क्वेश्चन एक भी मिस नहीं होगा आपका। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे फटाफट से सीरीज के क्वेश्चंस। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ नंबर करेक्ट ऑल्टरनेटिव दैट विल कंटिन्यू द सेम पैटर्न। बच्चा, क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा, जितने भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए। सो आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात चेक करनी है, जहां पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है इसके प्लेस पे क्या आएगा। एक बार खुद ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए बच्चे फटाफट से। 1, 9, 25, 49 क्वेश्चन मार्क एंड 1 to 1 करो ट्राई, करिए जल्दी से फटाफट। 1, 9, 25, 49 क्वेश्चन मार्क एंड 1 to 1 जल्दी फटाफट से बताइए क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे। चलिए सरकार, अगर मैं बात करूं 1 की, 1 क्या होता है बच्चे, 1 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर का लॉजिक मेरे माइंड में कहां से आया, बिकॉज जैसे ही मैंने आगे देखा 9, 25, 49 सारे के सारे स्क्वायर डिजिट है। आगे चेक करते हैं बच्चे, 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर। 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर। 25 क्या होता है, डेफिनेटली आप कहेंगे 5 का स्क्वायर। 49 क्या होता है बच्चे, 7 का स्क्वायर। तो आपको पैटर्न समझ आ गया होगा, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, आगे क्या आएगा बच्चे, आगे आएगा यहाँ पे 9 का स्क्वायर। अब 9 का स्क्वायर क्या होता है ये तो तुम्हें पता है शायद, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 81। बोलो हाँ या ना, सभी को क्लियर हुआ बच्चे? आगे भी आप देख पा रहे हैं, देखो 1 to 1 कहाँ से आ रहा है, 11 का स्क्वायर 1 to 1। तो आपको यहाँ पे चाहिए 81 का मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी को क्लियर हुआ, जल्दी से बोलिए फटाफट, क्लियर टू ऑल। चलिए बहुत बढ़िया बच्चे, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आने जा रहा है, करिए सॉल्व, करो फटाफट से सॉल्व। 4, 7, 12, 19, 28 क्वेश्चन मार्क, जल्दी से बताइए क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा, करो 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 फटाफट से। चलिए सरकार, जैसे ही क्वेश्चन मेरे सामने आया 4, 7, 12, 19,
28 एंड क्वेश्चन मार्क। एक बार आप खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। एक बार ध्यान से देखो, देखो कभी भी क्वेश्चन आपके सामने आए, या तो बच्चे आपको चेक करना है प्राइम नंबर, या फिर आपको चेक करना है डिफरेंस, या फिर बच्चे आपको चेक करना है अगर उनमें कहीं स्क्वायर और क्यूब तो नहीं छिपा हुआ। अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, बच्चे स्क्वायर कहीं भी नहीं दिख रहा, क्यूब कहीं भी नहीं दिख रहा, प्राइम नंबर कहीं भी नहीं दिख रहा। सिंपल सा काम किया मैंने, इन दो नंबर्स का डिफरेंस चेक किया तो मुझे पता चल रहा है कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का। बच्चे आगे डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 का। आगे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 7 का। आगे डिफरेंस कितने का है, 29 माइनस 19 करेंगे तो क्या आएगा, 28 माइनस 19। बच्चे यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 9। कुछ समझ आया बच्चे, 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9 प्लस 2। सरकार 9 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 11, और 28 में 11 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 39 आपका करेक्ट आंसर होगा। इट मींस ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आया समझ सभी को? देखिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए जल्दी से। 11 13 17 19 23 25 बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, नजरों से ही हो जाएगा ये तो। चलिए सरकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। बच्चे यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 का। यहाँ पे फिर से डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का। यहाँ पे डिफरेंस 4 का, आगे डिफरेंस आपने देखा 2। आगे कितने का डिफरेंस आएगा, डेफिनेटली बच्चे देखिए प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4। सिंपल सा क्वेश्चन है तो प्लस 4 करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 29। इट मींस ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी को क्लियर हुआ, जल्दी बताइए फटाफट से, क्लियर टू ऑल। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर आने जा रहा है, करिए सॉल्व जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 करिए करिए जल्दी से ट्राई कीजिए बच्चा। 6 12 18 क्वेश्चन मार्क 48 मैं लिख देता हूं, तब तक आप ट्राई कीजिए। 6 12 21 क्वेश्चन मार्क एंड 48 जल्दी से बताइए क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के जगह पे। आपके पास है बच्चे 30 सेकेंड्स, फटाफट ट्राई कीजिए। करो 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 जल्दी से, हो जाएगा, इजी है, बिल्कुल इजी है। चलिए देखो मैंने अभी आपको क्या बताया, कभी भी क्वेश्चन आपके सामने आए सबसे पहला काम क्या करना है बच्चे, डिफरेंस लेना है आपको। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 में डिफरेंस की, 6 और 12 का डिफरेंस कितने का आएगा, 6। 12 और 21 का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 9। अगर मैं 21 में बच्चा प्लस 3 कर दें, देखो यहाँ पे क्या हो रहा था प्लस 6, यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस 9। अगर बच्चे यहाँ पे मैं प्लस 12 ले लूँ तो देखो 21 में 12 ऐड करेंगे तो क्या आएगा बच्चे, डेफिनेटली आप कहेंगे क्या जाएगा ये, 33। और 33 अगर बच्चे यहाँ पे हो, ध्यान से देखना, अगर 33 यहाँ पे हो तो आप आगे भी देख पा रहे कितने का डिफरेंस आ रहा है, प्लस 15 का। बोलो हाँ या ना, आया समझ? तो बच्चे यहाँ पे मुझे चाहिए 33 का मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर हुआ सभी को, जल्दी से बोलो फटाफट यस और नो, जल्दी बच्चे जल्दी फटाफट से कमेंट। देखो कमेंट में जोश होना चाहिए, आप सोच रहे हैं बच्चे डिफेंस एग्जामिनेशन ज्वाइन करने की, तो एक आग होनी चाहिए आपके अंदर कि मुझे जल्दी करना है और सबसे पहले करना है, ठीक है। चलिए सरकार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आने जा रहा है, करिए आंसर, करो ट्राई फटाफट जल्दी से। 259 क्वेश्चन मार्क 20 एंड 27 जल्दी ट्राई कीजिए क्या आएगा फटाफट क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे। करिए सरकार करिए फटाफट, 30 सेकेंड्स आपके स्टार्ट होते हैं अब। 259 क्वेश्चन मार्क 20 एंड 27 जल्दी से बताइए क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आने वाला है, जल्दी 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 करिए बच्चे करिए। ओ सॉरी स्लाइड चेंज होगी, करिए क्वेश्चन नंबर 5 करिए। 259 क्वेश्चन मार्क 20 एंड 27 जल्दी बताइए क्या आएगा फटाफट से, करो 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 शिकारियों जल्दी से उड़ाओ बच्चे, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है।
आपको टाइम इतना नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में, इजी है, उड़ा दो जल्दी से। चलिए सरकार, अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की, देखो 2 और 5 का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 का। 5 और 9 का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 का। अगर मैं यहां पे 5 का डिफरेंस ले लूं तो बच्चा 9 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहां पे, 14। और आप आगे देख पा रहे हैं बच्चे डिफरेंस कितने का आ रहा है, +6। यहां पे क्या डिफरेंस आ रहा है, +7। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, चाहिए आपको 14 चाहिए तो बोलो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। सभी को क्लियर हुआ, यस और नो, जल्दी बोलिए फटाफट से, हाँ या ना, क्लियर टू ऑल। चलिए बहुत बढ़िया, आपके कमेंट मैं पढ़ पा रहा हूँ। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं बच्चे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहने जा रहा है आपको। करिए आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का, 6, 11, 21, 36, 56 एंड क्वेश्चन मार्क। जल्दी बताइए क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आने वाला है, करिए करिए जल्दी से करो फटाफट। देखो क्वेश्चन आते ही माइंड चलना स्टार्ट हो जाना चाहिए, बहुत इजी भी है तो बच्चे देखते ही हो जाना चाहिए था, सिर्फ नजरों वाला क्वेश्चन है। 6, 11, 21, 36 एंड 56 आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा, बताइए जल्दी से। चलिए सरकार, अगर मैं बात करूं नंबर्स की, 6, 11, 21, 36 नेक्स्ट टाइम क्या कह रही है, 56 एंड क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखो बच्चा लॉजिक क्या लग रहा है। चलिए सरकार, अगर मैं बात करूं लॉजिक की, ध्यान से देखना, 6 और 11 का डिफरेंस देखिए फटाफट से क्या आ रहा है। बच्चे आप कहेंगे सर 5 ऐड हो रहा है, बोलो हाँ या ना। सरकार अगर मैं 11 और 21 के डिफरेंस की बात करूं तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कितने का डिफरेंस है, +10 के आ गए। बच्चे नेक्स्ट डिफरेंस की अगर बात की जाए तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 15 का डिफरेंस आ रहा है। अगले डिफरेंस की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट डिफरेंस कितने का आ रहा है बच्चे, 20 का आ रहा है। तो आप शायद समझ चुके हैं अगला डिफरेंस कितने का आएगा, 25 का। अब 56 में मुझे नहीं लगता 25 ऐड करना कुछ हार्ड काम होगा आप सभी के लिए। 6 और 5 11, 1, 1, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 81 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 81 का मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर हुआ, यस और नो, जल्दी बोलिए। ऑप्शन नंबर सी बच्चा बिल्कुल सही है आपका, ठीक है, क्लियर टू ऑल, बढ़िया आ गई। चलिए सरकार अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, कंप्यूटर मास्टर क्वेश्चन नंबर 7 लाइए फटाफट जल्दी से, उड़ाओ भाई क्वेश्चन नंबर 7 को। 10, 18, 28, 40, 54, 70 एंड क्वेश्चन मार्क, बताइए क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा, जल्दी से, जल्दी जल्दी एंड जल्दी करो 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 शिकारियों, उड़ाओ क्वेश्चन को, बहुत ही बेहतरीन सवाल है नजरों वाला। देखो नंबर सीरीज अगर आप समझ गए क्या क्या लॉजिक लगते हैं तो बच्चे आप 15 सेकंड में क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। और लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर आपको पता नहीं कैसे चेक करते हैं तो बच्चे एक मिनट में भी आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैंने बोला पहले कॉन्सेप्ट पे काम करो बच्चे, करिए क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई, फिर डिस्कस करते हैं बच्चे। जल्दी 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 क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, उड़ाइए भाई जल्दी शिकारियों, उड़ाओ फटाफट से। 10, 18, 28, 40, 54, 70 एंड क्वेश्चन मार्क, यू हैव टू टेल विच नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, जल्दी बताइए करो 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 जल्दी से भाई जल्दी से, टाइम नहीं लेना बच्चे। देखो एग्जाम में मेन चीज होती है स्पीड और एक्यूरेसी, अगर आपके पास दोनों में से एक भी चीज की कमी है बच्चे आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। देखो स्पीड भी आपको मेंटेन करनी होगी और एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी होगी। 28 यहाँ पे दिया हुआ है, 40 अगली टर्म आपको दी हुई है, 54 अगली टर्म आपको दी हुई है, 70 अगली टर्म आपको बतानी है क्या आएगा, जल्दी बताइए क्या आएगा फटाफट से, जल्दी जल्दी एंड जल्दी करिए ट्राई। 10, 18, 28, 40, 54, 70 एंड क्वेश्चन मार्क, बताइए जल्दी से क्या आएगा। चलिए बच्चा टाइम सब 30 सेकंड्स में क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, ध्यान से समझेंगे, देखो दोनों नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 8 का। इन दोनों नंबर्स में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 का। इन दोनों नंबर्स में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 12 का। इन दोनों नंबर्स में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 14 का। आगे आप देख पा रहे हैं डिफरेंस कितने का आ रहा है, 16 का। तो अगला डिफरेंस नहीं बता पाएंगे आप, कितना ऐड करना है, 18।
70 में 18 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चा? 88। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे ये बताइए, हमने 7 क्वेश्चंस कर लिए हैं, क्या एक भी क्वेश्चन आपको हार्ड लगा? नहीं लगा होगा। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे बच्चे, और वो क्वेश्चन भी करेंगे जो एग्जाम में सिरदर्दी का काम करते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई कीजिए जल्दी से, चलिए करिए करिए फटाफट से उड़ाओ फटाफट। देखो सीरीज देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए लॉजिक क्या लग रहा है। बच्चे नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं, डिफरेंस ले लो फटाफट, आप समझ जाएंगे। करिए, तब तक मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन। 120, 99, 80, 63, 48 एंड क्वेश्चन मार्क। जल्दी से बताइए क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे क्या आने वाला है। करिए ट्राई, करो 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 जल्दी से, सिर्फ 30 सेकंड का खेल है, करिए। हो गया, करिए भाई करिए जल्दी से। चलिए सरकार, अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की, देखो दोनों में डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है बच्चे। 63 में से 8 जाएगा, 13 में से 8 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 5 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1। बोलो हाँ या ना। देखो अगले डिफरेंस की अगर बात की जाए, 80 में से 63 माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितने का आएगा? 17। यहाँ पे डिफरेंस देख पा रहे हैं आप कितने का आ रहा है? 19। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कितने का डिफरेंस आ रहा है? 21। देखो 21 में से 2 कम किया तो 19, 19 में से 2 कम किया तो 17, 17 में से 2 कम किया तो 15। अब बच्चे 15 में से 2 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 13। और बच्चे 48 में से 13 माइनस करेंगे, 48 में से 13 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 35 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 का मतलब क्या हुआ बच्चे? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट होगा। सभी को क्लियर हुआ, यस और नो? देखो कमेंट जरूर करो और फटाफट से करो बच्चे, क्वेश्चन आते ही आंसर आना चाहिए और आंसर आते ही कमेंट आना चाहिए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर महाशय, कंप्यूटर क्वेश्चन नंबर 9 लाइए जल्दी से। 22, 24, 28 क्वेश्चन मार्क, 52 और 84। जल्दी बताओ क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा? सिर्फ 30 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास, जल्दी से बताओ। 22, 24, 28 क्वेश्चन मार्क, 52 एंड 84। जल्दी बताइए क्या आएगा, जल्दी जल्दी एंड जल्दी जल्दी उड़ाओ फटाफट से। 22, 24, 28 क्वेश्चन मार्क, 52 और 84। करिए ट्राई भाई फटाफट से, करो 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 जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9, हो गया। 22, 24, 28 क्वेश्चन मार्क, 52 एंड 84। You have to tell which number will come in place of question mark. जल्दी से सॉल्व कीजिए बच्चे, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का क्वेश्चन है। हुआ या नहीं जल्दी से कमेंट करो भाई। चल सरकार देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करूं मैं, देखो 22 और 24 का डिफरेंस कितने का आ रहा है? +2। 24 और 28 का डिफरेंस कितने का आ रहा है? +4। देखो 2, 4। अगर बच्चे मैं आगे 8 ऐड कर दूं, बच्चे आगे अगर मैं 8 ऐड कर दूं तो 28 में बच्चा 8 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 36। लेकिन 36 और 52 का अगर मैं बात करूं डिफरेंस कितने का आ रहा है, आप देख पा रहे हैं कितना? हाँ ये हो गया बच्चे 16। तो आगे आप देख पा रहे होंगे बच्चे कितने का डिफरेंस आ रहा है? 32 का। मतलब क्या हो गया? इंटू टू की सीरीज चल रही है, इंटू टू इंटू टू इंटू टू एंड लास्ट में भी इंटू टू। बोलो हाँ या ना, समझ आया सभी को? 36 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तुक्के नहीं माने, अगर ऑप्शन देखते ही देखो स्क्वायर नंबर एक है तो ऑप्शन नंबर ए होगा, नहीं तुक्के नहीं माने, लॉजिक के साथ आंसर करना है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, करिए सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10 करो फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। 4832 5840 3684 8 आपको बताना है आगे क्या आएगा, बताओ जल्दी से, जल्दी से सॉल्व करके बताओ क्या आएगा, करो 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 जल्दी। हो गया, जल्दी बताइए हुआ है या नहीं।
देखो दोनों नंबर्स के बीच में लगभग 1000 के आसपास डिफरेंस है, सेकंड और थर्ड के में भी बच्चे 1000 का डिफरेंस है, तो सीधी सी बात है डिफरेंस का कोई ना कोई लॉजिक होगा। 5840 बच्चे आज अ कॉम्पिटिटर जब भी मेरे सामने नंबर सीरीज का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले मैं क्या करूँगा डिफरेंस लूंगा, डिफरेंस से कुछ ना कुछ लॉजिक लग जाता है। 5840 में से बच्चा 4832 माइनस कर दो, देखो 10 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा 8, यहाँ पे क्या हो गया 3, 3 में से 3 गया तो 0, अगर बच्चे बात करें यहाँ पे क्या आएगा 0 और आगे क्या आ रहा है 1008 डिफरेंस आ रहा है। चलिए आगे भी चेक कर लेते हैं 6848 और यहाँ पे था 5840, डिफरेंस चेक करो बच्चा 8 में से 0 जाएगा तो 8, 4 में से 4 जाएगा तो 0, यहाँ पे क्या होगा बच्चे ठीक है 8 में से 8 जाएगा तो फिर से 0 और 6 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा 1, खत्म हो गया क्वेश्चन 1008 का डिफरेंस चल रहा है। चलिए सरकार ऐड कर दीजिए 6848 में 1008 तो 8 और 8 6 ऊपर गया 1, 4 और 1 5, 8 का 8, 6 और 1 आ गया 7, 7856 7856 का मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को, बोलो हाँ या ना, जल्दी से कमेंट कमेंट और आंसर, रुकना नहीं चाहिए, गोली की तरह आने चाहिए, ठीक है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करिए जल्दी से, करिए क्वेश्चन नंबर 11। और ये तो SSC FCAT रेलवे हर एग्जामिनेशन का फेवरेट क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे 10 इसको 100 कर दो बच्चे, इसको 100 कर दो। अब देखो मैंने क्वेश्चन देखे बिना बता दिया भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है, दया को बुलाना पड़ेगा, इसको सो करना पड़ेगा, करिए ट्राई जल्दी से फटाफट से करिए बच्चे। जल्दी से करेंगे ट्राई 10, 100, 200, 310 आपको बताना है आगे क्या आने वाला है, जल्दी बताइए करो 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 जल्दी से। हो गया इजी है बच्चे, हो जाना चाहिए था ये तो इतने देर में। देखो बात करते हैं 10, 100, 200, 310 आपको बताना है आगे क्या आएगा, ध्यान से देखना 10 और 100 का डिफरेंस कितने का आ रहा है 90 का, 100 और 200 का डिफरेंस कितने का आ रहा है 100 का, 200 और 310 का डिफरेंस कितने का आ रहा है 110 का, और 310 और 120 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चा ये हो गया कितना 430, दैट इज ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आया समझ, कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपको डिफरेंस से करना था 90, 100, 110 और आगे क्या आएगा 120, आंसर क्या हो जाएगा 430, दैट इज ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आया समझ, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बेहतरीन सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, उड़ाइए बच्चे 0, 2, 8, 14 क्वेश्चन मार्क एंड 34, जल्दी बताइए क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आने वाला है, करिए ट्राई करिए जल्दी से बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। सीरीज क्या दी गई है आपको 0, 2, 8, 14 क्वेश्चन मार्क और 34, जल्दी बताइए क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे, 30 सेकंड्स का आपके पास टाइम है बच्चे करो। करो 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 जल्दी से, इजी है, बिल्कुल इजी है बच्चों वाला क्वेश्चन, नजरों वाला ही है बच्चे, जल्दी से बताओ, देखो टाइम बिल्कुल भी नहीं लेना हमें, करिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। हाँ जी जल्दी बोलिए हुआ या नहीं हुआ, चलिए सरकार देखते हैं डिफरेंस, सबसे पहले काम क्या करना है आपको डिफरेंस लेना है। अगर मैं डिफरेंस की तरफ जाऊं बच्चे 0 और 2 का डिफरेंस कितने का आ रहा है 2 का, 2 और 8 का डिफरेंस कितने का आ रहा है 6 का, 8 और 14 का डिफरेंस कितने का आ रहा है 6 का, ध्यान से देखना अगर मैं इसमें 10 ऐड कर दूं, 14 में 10 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा 24, आगे आप देख पा रहे हैं कितने का डिफरेंस चल रहा है 10 का, इसका मतलब क्या हो गया 2, 2, 6, 6, 10, 10,
14 14, आया समझ पैटर्न क्या चल रहा है? मतलब चार ऐड करके डबल रिपीटेशन पे चल रही है सीरीज, ठीक है। 24 का मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे। करो क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी से फटाफट, बिल्कुल ईजी है। देखो कंप्लीट ईजी है नंबर सीरीज, हर सब्जेक्ट ईजी है आपके पास बेसिक है तो। देखो एग्जामिनेशन का बिल्कुल एक छोटा सा फंडा होता है, बेसिक हमें आता नहीं, एडवांस कुछ होता ही नहीं, बेसिक चीज़ें हमें आती ही नहीं, एडवांस तो कुछ होता ही नहीं बच्चा। एग्जामिनेशन अगर आपको क्लियर करना है कोई भी वनडे कॉम्पिटिशन एग्जाम, तो काम करो बेसिक पे, बिल्कुल बेसिक पे काम करो। करिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जल्दी से करो। 28 33 31 36 क्वेश्चन मार्क 39, जल्दी से बता दो मुझे क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आने वाला। करो 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 जल्दी से ट्राई, इजी है, बहुत इजी है। इन दोनों का डिफरेंस देखो, सबसे पहले कितने का डिफरेंस आ रहा है, +5। आगे डिफरेंस कितने का आ रहा है, -2। यहाँ पे क्या हो रहा है, +5, यहाँ पे क्या करेंगे हम -2। अगर 36 में से मैं -2 कर दूँ, अब बच्चे धीरे धीरे हम पैटर्न में कुछ ना कुछ चेंज लाते रहेंगे। अब देखिए थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आएगा, बेसिक में भी तो कुछ ना कुछ खेलेगा बच्चा। 36 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 34। आगे आप देख पा रहे हैं 34 में +5 करेंगे तो क्या आएगा, 39। इट मीन्स 34 ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को, यस और नो, जल्दी से बोलिए, फटाफट से बोलिए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा आपका 34 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, रेडी, चलिए आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 का पोस्टमार्टम करते हैं, जल्दी से करो। 125 80 45 20, जल्दी से डिफरेंस ले लो और आंसर बता दो मुझे क्या आएगा, करो। करी करी जल्दी से बच्चे, जल्दी 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 चलिए 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 फटाफट से क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बच्चे मैं बात करूं, चलिए बच्चे सबसे पहले डिफरेंस देखो, 125 80 45 20 एंड क्वेश्चन मार्क, जल्दी से देखना है हमें क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। इन दोनों का डिफरेंस देखो, आप देख के बता पा रहे होंगे कितना आ रहा है, 45। इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है, आप देख के बता पा रहे होंगे, 35। सरकार आगे का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 25। आया समझ, 45 35 25 आगे क्या आएगा, 15 का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 5। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। आया समझ, क्लियर टू ऑल, बढ़े आगे। चलिए सरकार अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है हमें, करिए जल्दी से आंसर। 1 5 13 25 41 एंड क्वेश्चन मार्क, जल्दी से बताइए क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आने वाला है, करो सॉल्व, करो करो जल्दी से सॉल्व। सबसे पहला काम आपको करना क्या है, डिफरेंस लेना है क्वेश्चन में। डिफरेंस से 80% क्वेश्चन टूट जाते हैं बच्चे, जैसे अर्थमेटिक की अगर मैं बात करूं, 80% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं अगर आपको परसेंटेज की नॉलेज है। अगर नंबर सीरीज की मैं बात करूं, नंबर सीरीज आपके बच्चा बैंकिंग में मैथ्स में भी आते हैं, अगर आपको नंबर सीरीज करना है तो बच्चे आपको सबसे पहला काम क्या करना है, डिफरेंस से करना है, ठीक है। करो सॉल्व जल्दी से, जल्दी 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 फटाफट से ट्राई कीजिए। 1 5 13 25 41 एंड क्वेश्चन मार्क, जल्दी से बताओ मुझे क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा, करो ट्राई, जल्दी 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 फटाफट से। चलिए मुझे लगता है शायद हो गया होगा। देखो अगर मैं 1 और 5 का डिफरेंस देखूं तो कितने का आ रहा है, 4 का। आगे की अगर मैं बात करूं तो बच्चे देख पा रहे हो आप कितना, 8।
बच्चे आगे डिफरेंस देखते हैं, 25 में से 13 जाएगा तो क्या आएगा 12। बच्चे 25 और 41 का डिफरेंस आप चेक कर पा रहे होंगे कितने का, 16। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस 4, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस 4, प्लस 4। आगे बच्चे 16 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 20, और 41 में बच्चे जब हम 20 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 61, दैट इज ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ? हाँ यार, देखो कमेंट जल्दी जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर हुआ सभी को? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 लाइए कंप्यूटर महाशय जल्दी से। 2, 15, 41, 80 एंड क्वेश्चन मार्क, जल्दी बताओ क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा, फटाफट से, टाइम नहीं लेना बिल्कुल भी, करिए जल्दी, बहुत इजी क्वेश्चन है। करो करो जल्दी से बच्चे, क्या कर रहा था आपको क्वेश्चन, 2, 15, 41, 80 एंड क्वेश्चन मार्क, जल्दी से बताइए मुझे क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आने वाला है। देखो 2 और 15 का डिफरेंस कितने का, 13 का, 15 और 41 का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 26 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 39 का। तो आगे आप बता पा रहे होगे 13 की टेबल चल रही है सर, 13 × 2 = 26, 13 × 3 = 39, तो बच्चे आगे क्या ऐड करेंगे, 52। अब बच्चे 80 में 52 ऐड कर देना है और कुछ भी नहीं करना, यह आएगा 132, डेट इज ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ? हाँ या ना, जल्दी बोलो फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा बच्चे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 करिए जल्दी से, 6, 17, 39, 72 एंड क्वेश्चन मार्क, जल्दी बताइए क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा, करो फटाफट से ट्राई। क्या करी थी सीरीज, 6, 17, 39, 72 एंड क्वेश्चन मार्क, जल्दी से बता दो मुझे क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा, फटाफट से फिल कर दो, जल्दी 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 फटाफट 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 बच्चे फटाफट। हुआ है नहीं हुआ, डिफरेंस लो, सबसे पहला काम डिफरेंस लेना है, उसके बाद चेक करना है फटाफट से बच्चे। इस सेशन में हम पूरे 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और नंबर सीरीज हम 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, 40 40 40, अच्छा तीनों के तीनों लेवल में आपको मजा आने वाला है। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 11 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है बच्चे, ये होगा कितना, 22। आगे डिफरेंस देखेंगे तो कितने का आ रहा है बच्चा, 9, 2 में से 9 जाएगा, 12 में से 9 जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चा, 3, और यहाँ पे है 6, 6 में से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चा, 3, 33। आगे डिफरेंस देखते हैं तो क्या आएगा, 44, 72 में 44 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, 6, 7 और 6, 4 कितना आएगा, 11, 116 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। आया समझ? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 ट्राई कीजिए, करिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 18 ट्राई जल्दी से, 325, 259, 204, 160, 127, 105 एंड क्वेश्चन मार्क, जल्दी बताइए क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या आएगा, सीरीज क्या कह रही है, 325, 259, 204, 160, 127, 105 एंड क्वेश्चन मार्क, जल्दी से बताओ मुझे शेरो क्वेश्चन की मार्क के प्लेस पे क्या आने वाला है, जल्दी करिए, करो 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 जल्दी से फटाफट। ईजी है, बिल्कुल ईजी है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस चेक करना है आपको और बिल्कुल माइंड नहीं लगा, करो करो जल्दी। देखो अगर मैं बात करूं इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितने का है बच्चे, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस चेक करते हैं, 325 में 259 माइनस करेंगे, 15 में से 9 जाएगा तो क्या होगा, 6 बच्चे, 11 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा, 6, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, -66 का डिफरेंस आ रहा है, नेगेटिव है, इसका भी ध्यान देना होगा।
कई क्वेश्चन बचे हैं तो इजी है, कई क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स भी होंगे प्लस माइनस के बेस पे, तो उन पे हमें फोकस करना होगा। आगे डिफरेंस देखते हैं बच्चा क्या आ रहा है, 259 में से 204 माइनस करना है, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5, बच्चे 5 में से 0 जाएगा तो क्या आ जाएगा 5, आगे कितना आएगा माइनस 55, बच्चे आगे कितना आएगा माइनस 44, आगे कितना आएगा बच्चा माइनस 33, आगे कितना आएगा बच्चे आप देख पा रहे हैं माइनस 22, तो आगे कितना आ जाएगा बच्चे शायद आप देख पा रहे हैं 11 की टेबल चल रही है, नेगेटिव चल रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, तो माइनस 11, बच्चा 105 में से 11 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 में से 1 गया 4, 10 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 94 आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आया समझ। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करिए जल्दी से, उड़ाओ 1, 4, 10, 22, 46 एंड क्वेश्चन नंबर जल्दी से करेंगे फटाफट से, इजी बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, 10 से 15 सेकंड नजरों वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल नजरों वाला बेसिक सा क्वेश्चन, करो ट्राई। 1, 4, 10, 22, 46 यू हैव टू टेल विच नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, हो जाना चाहिए इतनी देर में, टाइम नहीं लगना है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। करो भाई करो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर फटाफट से, 1, 4, 10, 22, 46 एंड क्वेश्चन मार्क। चलिए सर का बात की जाए क्वेश्चन नंबर 19 की, ध्यान से समझना क्या कह रहा था क्वेश्चन नंबर 19, 1, 4, 10, 22, 46 एंड क्वेश्चन मार्क, ध्यान से समझो बच्चा यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटू 2 प्लस 2, 1 को 2 से इंटू करेंगे 2 और 2 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 4 इंटू 2 8, 8 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, 10 इंटू 2 प्लस 2, 10 को 2 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, 20 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 22, 22 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा 44, 44 में प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा 46, अच्छा सिंपल सी बात है इंटू 2 प्लस 2, 46 को 2 से इंटू करेंगे तो बच्चा ये हो जाएगा 2, ऊपर जाएगा 1, ये हो गया 92, 92 में बच्चे 2 ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 94, दैट इज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, आया समझ। देखो इजी है, बिल्कुल इजी है, बस बेसिक का आप काम करना है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करेंगे जल्दी से, उड़ाइए क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के ऊपर है बच्चे, उड़ा दो जल्दी से, बिल्कुल बच्चों वाला ये तो, बिल्कुल नजरों वाला ये। सरकार अगर मैं बात करूं, देखो इस क्वेश्चन में टाइम देने का मन भी नहीं कर रहा बच्चे, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है 0.05, बच्चे यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है 0.10, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है 0.15, यहाँ पे कितना डिफरेंस आएगा 0.20, देखो 5-5 ऐड हो रहे हैं तो बच्चे 0.8 में 0.20 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा कंप्लीट, भाई 80 पैसे में 20 पैसे ऐड कर देंगे तो क्या आएगा एक, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, आया समझ, हाँ या ना। चलिए बच्चे यहाँ पे हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक, उसके बाद हम सेकेंड हाफ, देखिए हम 40 क्वेश्चन इस सेट में डिस्कस करने वाले हैं, 20 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, 20 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के ब्रेक के बाद, ठीक है। चलिए कहीं नहीं जाना बच्चे, बस मिलते हैं 2 मिनट के बाद, कंटिन्यू करेंगे बच्चा 20 क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है, मजे आएंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी, ठीक है। चलिए
चलिए सरकार आ जाइए फटाफट दोबारा से। ब्रेक आपका 5 मिनट का हो चुका है, कंटिन्यू करेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 20 हमने कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 21 से अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है? रेडी सभी आ गए, फटाफट जल्दी से आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 फटाफट जल्दी से। चलिए सरकार आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 लाइए कंप्यूटर महाशय। चलिए 21 का आंसर करिए बच्चे जल्दी से। 5, 6, 9, 15 क्वेश्चन मार्क एंड 40 आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आने वाला है, जल्दी से करिए फटाफट। चलिए सरकार अगर बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 21 की, ध्यान से देखना, 5, 6, 9, 15 क्वेश्चन मार्क एंड 40 ध्यान से देखो। देखो यहां पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, एक का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है बच्चे, तीन का। यहाँ पे ओके, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है बच्चे, सिक्स का। अगर मैं आपसे पूछूँ अगला डिफरेंस क्या आएगा, ध्यान से देखना बच्चे। देखो अगर बात करें बच्चा, देखो वन का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कितने का आ रहा है, थ्री का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे अगर बात मैं करूँ बच्चे, 9 और 15 का डिफरेंस कितना आ गया, 6। ध्यान से देखो, आप देख पा रहे हैं 1, 3, 6। अब यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस ऑफ डिफरेंस चेक करूँ तो बच्चे यहाँ पे आप कितना ऐड करें, +2। अगर यहाँ पे देखें तो कितना ऐड करें, +3। अगर बच्चे 6 में +4 करेंगे तो क्या आएगा, 10। और अगर 10 में बच्चा 15 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 25। देखो आगे भी फॉलो हो रहा है, यहाँ पे बच्चा कितना ऐड हो रहा है, +5। और बच्चे 10 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15। 25 में 15 ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है, 40। इसका मतलब यहाँ पे आपको चाहिए 25, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आएगा। आया समझ सभी को, हाँ या ना, जल्दी बोलो यस और नो, जल्दी से कमेंट करना है बच्चे, हाँ या ना, क्लियर टू ऑल। चलिए सरकार मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कंप्यूटर महाशय क्वेश्चन नंबर 22 पे ले चलिए। 2, 3, 5, 7, 11 क्वेश्चन मार्क, 17 उड़ा दो यार जल्दी से फटाफट, बिल्कुल बच्चों वाला है, करिए जल्दी से। देखो अब यहां पे अगर आप डिफरेंस लेने चल गए तो फर्स्ट जाओगे, नो डाउट। सबसे पहले आपको डिफरेंस ही देखना है, बट यहां पे जैसे ही आपने डिफरेंस लिया तो आप फर्स्ट जाओगे। क्या कह रहा हूं मैं फंसने का मतलब, देखो बच्चे 2, 3, 5, 7, 11 ये कैसे नंबर है, आप कहोगे सर कुछ इवन है कुछ ओड है, अरे नहीं इवन ओड छोड़ो, ये प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है। 2, 3, 5, 7, 7 के बाद 11 के बाद क्या आएगा बच्चे, 13, 17। इसका मतलब जो मिसिंग नंबर था वो एक प्राइम नंबर था, 13। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर हुआ यस और नो, जल्दी से कमेंट करो हाँ या ना, क्लियर हुआ। चलिए सरकार आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23 करिए जल्दी से आंसर, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करेंगे बच्चे जल्दी से। 4, 9, 25 ये तो बच्चे इसके लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। 4, 9, 25 क्वेश्चन मार्क, 1, 2, 1, 1, 6, 9, 2, 89, 3, 6, 1 ध्यान से देखो क्या हो रहा है बच्चे, ये क्या हो रहा था 2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो रहा है 3 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो रहा था 5 का स्क्वायर। आप एक चीज़ देख पा रहे हैं, 2, 3, 5 शायद और शायद बच्चे सारे के सारे प्राइम नंबर चल रहे हैं, तो आगे क्या होगा बच्चे, यहाँ पे आएगा क्या, 7 का स्क्वायर। 7 के बाद देखो 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 का स्क्वायर आगे दिया हुआ 1, 2, 1। 12 नहीं है, 13 का स्क्वायर आपको दिया गया 1, 6, 9। 14, 15, 16 नहीं है, आगे दे रखा है 17। आगे बच्चे ये दे रखा है 19 का स्क्वायर। आया समझ, मतलब प्राइम नंबर की सीरीज का स्क्वायर किया गया। अब बच्चे 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 49। 49 का मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आया समझ, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए, अब जल्दी से करिए सॉल्व। 1, 9, 25 अरे बच्चों वाला है, उड़ाओ जल्दी से। 1, 9, 25, 49, 81 और क्वेश्चन मार्क, ध्यान से देखो बच्चा, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, समझ पा रहे हो, 1, 3, 5, 7, 9 ओड नंबर का चल रहा है बच्चे। 11 का स्क्वायर क्या आएगा, 121। देखो इन क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाना, अगर मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ तो बच्चा मेरी गलती होगी इन क्वेश्चन में, बिल्कुल नजरों आया क्वेश्चन उड़ा दिया। 121 का मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे। आया समझ, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 फटाफट से।
एक एक 4, 8, 9, 27, 16 जल्दी बताओ क्या आएगा, करो जल्दी से करो फटाफट से। हो गया इजी है बच्चे, ध्यान से देखो 1, 1, 4, 8, 9, 27, 16 आपको बताना था क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, लेकिन ऑल्टरनेट पैटर्न चल रहा है। यहां पे क्या चल रहा है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। बच्चे देखो 1 स्क्वायर 1 क्यूब, 1 स्क्वायर 1 क्यूब, स्क्वायर क्यूब, आगे क्या आएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तो बच्चे यहाँ पे क्या आएगा 4 का क्यूब। अब 4 का क्यूब क्या होता है, 4 × 4 × 4, इतना नहीं करना, तुम्हें याद होना चाहिए 64 होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आएगा। आया समझ, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन के ऊपर आने जा रहा है, करिए सॉल्व, करिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर, 4, 12, 36, 108 एंड क्वेश्चन मार्क, जल्दी से बता दो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा, फटाफट उड़ाओ शिकारियों जल्दी से। एंड क्वेश्चन मार्क जल्दी से बता दो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। चलिए सरकार देखते ही क्वेश्चन आ जाना चाहिए था आपके माइंड में। देखो क्या हो रहा है बच्चे, 4 से 12 कैसे बना इंटू 3 करके, 12 से 36 कैसे बना इंटू 3 करके, 36 × 3 करेंगे तो 108, 108 × 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 108 को 3 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चा 324, 324, दैट इज ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आएगा इस क्वेश्चन में। आया समझ, ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 करो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, 1, 1, 2, 6, 24 क्वेश्चन मार्क, 720 जल्दी बताओ क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा, करिए सॉल्व, करो 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 शिकारियों जल्दी से उड़ाओ फटाफट से। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, 1, 1, 2, 6, 24 देखो, 1, 1, 2, 6, 24 क्वेश्चन मार्क एंड 720। अच्छा 1 से 1 कैसे बना इंटू 1 करके, बोलो हाँ या ना, 1 से 2 कैसे बना इंटू 2 करके, 2 से 6 कैसे बना इंटू 3 करके, 6 से 24 कैसे बना इंटू 4 करके, 24 को आप किससे इंटू करेंगे 5 से, देखो 24 को 5 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा 120, दैट इज ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे भी फॉलो हो रहा है बच्चे, 120 × 6 करेंगे तो क्या आ रहा है 720, ठीक है तो हमें चाहिए 120, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 लाइए कंप्यूटर मास्टर जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, उड़ाओ जल्दी से। देखो बैक से स्टार्ट करो, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इंटू 5 × 4 × 3 × 2 क्या आएगा 240 ऑप्शन नंबर बी। अब देखो पीछे से स्टार्ट किया तो मल्टीप्लाई करेंगे, आगे से स्टार्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे, आगे से करेंगे तो डिवाइड करेंगे, देखो कैसे 40 10। बच्चे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइडेड बाय 1, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 4। आया समझ, मतलब आगे से डिवाइड पीछे से मल्टीप्लाई पैटर्न चल रहा है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 करो, क्वेश्चन नंबर 29 अच्छा क्वेश्चन है, लगाइए माइंड, 4, 6, 9, 13, 1/2 एंड क्वेश्चन मार्क, 4, 6, 9, 13, 1/2 एंड क्वेश्चन मार्क, आपको बताना था क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा, फटाफट से जल्दी से आंसर करेंगे और एक बार वीडियो को लाइक और शेयर ठोक दो बच्चे,
जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर ठोक दो ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे साथ ऐड हो सके। देखो 4 से 6 कैसे बना, इंटू 3/2 करके, इंटू 3/2 करके, पेन ले लेते हैं बच्चे। 6 से 9 कैसे बना, इंटू 3/2 करके। 9 से 13 1/2 कैसे बना, इंटू 3/2 करके। 13 1/2 को इंटू करेंगे 3/2 से। देखो 13 × 2 = 26, 26 और 1 27/2 को इंटू करना था बच्चे 3/2 से, तो क्या होगा। देखो 27 को 3 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 81 को 4 से डिवाइड, इसका मतलब आंसर होगा क्या, ये हो गया बच्चे 21/4, डेट इज ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे। आया समझ। चलिए आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, करिए सॉल्व क्वेश्चन नंबर 30। देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो कहीं ना कहीं डिवाइड का रोल जरूर होगा इस क्वेश्चन में। करो एक बार ट्राई फिर देखते हैं, करो 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 जल्दी से, यू हैव ओनली 15 सेकेंड्स। चलिए बच्चे यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटू 2 आया ना, यहाँ पे क्या हो रहा था बच्चे 16 से 48 कैसे बनेगा, इंटू 3 करके। अब देखो डायरेक्ट हो रहा है मल्टीप्लाई, इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, बहुत इजी क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। तो बच्चे 48 को 4 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 196 आया ना, सॉरी 192 होगा बच्चे, 192 होगा, मैं 49 को कर रहा था, यहाँ पे 192 आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। आया समझ सभी को, यस और नो। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर करेंगे बच्चे जल्दी से। 1, 2, 6, 7, 21, 22, 66, 67, जल्दी से बता दो अगला क्या आएगा, जल्दी से बता दीजिए अगला क्या आएगा बच्चे, करो 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 जल्दी जल्दी जल्दी। 1, 2, 6, 7, 21, 22, 66, 67। सरकार अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना, 1 और 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, 6 और 7 कंसेक्यूटिव नंबर है, 21 और 22 कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, 66, 67 लगातार, लेकिन 2 से 6 कैसे बना, इंटू 3 करके, 7 से 21 कैसे बना, इंटू 3 करके, 22 से 3 इंटू करेंगे तो क्या आएगा 66, 67 को 3 से इंटू करना मुझे नहीं लगता कोई बड़ा काम है। 6 को 3 से इंटू करेंगे 18, 18 + 2 के जगह आ जाएगा 20, 201, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आएगा। आया समझ। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने आने जा रहा है, करिए सॉल्व, करो सॉल्व बच्चे, इजी है, मल्टीप्लाई डिवाइड खत्म क्वेश्चन, उड़ा दो मल्टीप्लाई डिवाइड खत्म क्वेश्चन, करिए जल्दी से, लगाइए माइंड। हो गया होगा आई सपोज, जल्दी 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 फटाफट देखो क्या हो रहा है। 48, 24, 96, 48, 192 एंड क्वेश्चन मार्क, ध्यान से देखना क्या हो रहा है। 48 से 24 डिवाइडेड बाय 2, यहां पे क्या हो रहा है, इंटू कितना हुआ बच्चे 4, यहाँ पे क्या हुआ बच्चा डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे क्या हो रहा है इंटू 4, 192 को डिवाइड करेंगे 2 से, 192 को 2 से डिवाइड कर दो भैया जल्दी से, कितना जाएगा 9, 18, 96, दैट इज ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, बोलो हाँ या ना, क्लियर हुआ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, करो सॉल्व क्वेश्चन नंबर 33, 1, 2, 3, 6, 9, 18 क्वेश्चन मार्क एंड 54, जल्दी बताइए क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा, फटाफट जल्दी से उठाइए। 1, 2, ये तो अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, इस क्वेश्चन के लिए तुम्हें प्रॉपर टाइम में मिलेगा, करना ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है परफेक्ट, बहुत मतलब मजा आएगा करने में क्वेश्चन, करिए करो 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 जल्दी से। करी करी जल्दी से भाई,
1, 2, 3, 6, 9, 18 क्वेश्चन मार्क और 54 आपको बताना है क्या क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आने वाला है, बताइए। चलिए आ जाइए बच्चे, अगर बात करें यहां पे 1, 2, 3, 6, 9, 18 क्वेश्चन मार्क एंड 54, ध्यान से देखना क्या लॉजिक लग रहा है, बिल्कुल ध्यान से बच्चा। 1 से इंटू टू, अब यहां पे भी इंटू टू तो करेंगे लेकिन यहां पे क्या आएगा 27 का मतलब 27 into 2 54, 27 का मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। लेकिन बच्चे आप यहां पे भी देख पा रहे होंगे यहां पे क्या हो रहा है इंटू 3/2, मतलब 1.5 से मल्टीप्लाई किया गया। यहां पे भी क्या हो रहा है बच्चा इंटू 3/2, यहां पे भी क्या हो पा रहा है बच्चे 18 से 27 कैसे बन रहा है इंटू 3/2 करके, आया समझ? हाँ या ना, क्लियर हुआ? चलिए आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 34 पे, जल्दी से करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर, बेहतरीन है, जल्दी से उड़ाइए फटाफट से जल्दी। करो 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 फटाफट से। चलिए सरकार अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए 165, 195, 255, 285 बच्चा डिफरेंस से भी हो जाएगा लेकिन एक्चुअल लॉजिक क्या लग रहा है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। देखो सारे के सारे नंबर्स 15 के मल्टीपल हैं, हाँ या ना बच्चे? यहाँ पे क्या हुआ 15 को इंटू किया मैंने किससे, 11 से। 15 को 11 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 165, 15 को 13 से इंटू करेंगे, 15 को 13 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 195। बच्चे यहाँ पे क्या हो रहा है 15 को इंटू कर रहा है किससे, ये कर रहा है बच्चे 17 से। देखो 17 को 15 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा 7 × 5 = 5, 3 = 8 यहाँ पे होगा 175 और 255 आपके सामने। 285 कैसे आएगा बच्चे, 15 को इंटू करोगे जब आप 19 से, और बच्चे आगे आप देख पा रहे हैं 345, ध्यान से देखना क्या हो रहा है 11, 13, 17, 19 आगे किससे इंटू करेंगे जल्दी बताओ। अब देखो 345 को 15 से डिवाइड करेंगे बच्चा, 15 × 2 सा कितना आया 30, यहाँ पे कितना आ गया बच्चे 45, कितना आएगा 23 से इंटू कर दिया तो बच्चे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ गया बच्चे 345। अब बच्चे दो का डिफरेंस अगर मैं ले लूँ, ध्यान से देखना 15 को इंटू कर दूंगा बच्चे मैं किससे, यहाँ पे इंटू करना पड़ेगा बच्चे मुझे 23 से इंटू मैंने कर दिया। अब एक बार मैं ऑप्शन पे नज़र डालता हूँ बच्चे, पहला ऑप्शन क्या मेरे पास 375, अगला ऑप्शन है मेरे पास 390, अगला ऑप्शन है बच्चे मेरे पास 420, अगला ऑप्शन मेरे पास क्या है, अगला ऑप्शन बच्चे मेरे पास है 435। अगर बात की जाए, ध्यान से देखना बच्चे, चलिए सरकार अगर मैं बात करूं, आपने यहाँ पे 15 को 23 से इंटू किया, नो डाउट क्या आ गया 345, 345। अब देखो 11, 13 आगे क्या कह रहे बच्चे 17, आगे क्या कह रहे बच्चे 19, आगे क्या कह रहे बच्चे 23। अब आगे क्या होगा बच्चे, ध्यान से समझना, अब हमें इंटू करना होगा किससे 29 से। ओड नंबर की एक सीरीज चल रही है बच्चे, ओड नंबर की एक सीरीज चल रही है, एक सेकंड बच्चे, हेलो किसका है, किसका, 5 मिनट रुको, सिर्फ 5 मिनट। हाँ जी बच्चे आगे आपको क्या करना था 29 से इंटू करना है। अब बच्चे 15 को 29 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 को 5 से इंटू किया तो क्या आएगा बच्चे 45, 5, 4, 9 को 1 से इंटू किया 4 जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा 13, बच्चे 2 × 5 = 10, 0 ऊपर जाएगा, 1, 2 × 1 = 2, 2 और 1 = 3 बच्चे हो गया 5, 3 और ये हो गया 4, 435 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
आया समझ सभी को? 435, दैट इज ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सरकार देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलेंगे जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 35 करिए बच्चे आंसर फटाफट से। 9, 27, 31, 155 आपको बताना है आगे क्या आएगा। ध्यान से देखना बच्चे, यहां पे क्या हो रहा है इंटू 3, यहां पे क्या हुआ प्लस 4, यहां पे क्या हुआ इंटू 5, यहां पे क्या हुआ प्लस 6, ऑल्टरनेट इंटू प्लस आगे क्या करेंगे इंटू 7, आगे क्या करेंगे बच्चा प्लस 8। अब 1127 में बच्चा 8 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1135 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। आया सभी को समझ? ठीक है बच्चे, इस सेशन में हम यहीं पे एंड करेंगे। थोड़ा सा एक अर्जेंट काम आ गया है, एक्चुअली कोई टीम आई हुई है तो बच्चे वहाँ पे एक बार मीटिंग है, यहाँ पे बच्चे हमें एंड करना होगा, सेशन कंटिन्यू करेंगे बट डोंट वरी, ठीक है बच्चे कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको प्रॉमिस किया 120 क्वेश्चन हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, तो कंप्लीट करेंगे नंबर सीरीज के, ठीक है। अभी के लिए इतना ही बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बच्चे इन क्वेश्चन को बार बार रिपीट कीजिए, देखो नंबर सीरीज एक बार सॉल्व नहीं करते, बार बार इन्हीं क्वेश्चन से निकलिए बच्चे, तभी जाके आप एग्जाम में सटीक आंसर कर पाएंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही बच्चे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। देखो क्वेश्चन रेडी है, बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चे आपके सामने, और इस क्वेश्चन की आपको पीडीएफ भी मिलने वाली है, डेफिनेटली बच्चे आपको पीडीएफ भी मिलेगी इन क्वेश्चंस की, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और हाँ अनअकैडमी पे बच्चे अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यूज करेंगे मेरा रेफरल कोड लाइव MK, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ओके। बी सेफ बी हेल्दी, टाइम थोड़ा सा क्रूशियल है जैसे कि आप सभी को पता है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।